एबीटी विलियर्स वर्सेस फैब डुप्लेसी। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी आज का मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं देखा है फटाफट जाओ, लिंक इज इन कमेंट बॉक्स। उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आरसीबी किस तरह से क्वालिफाई कर सकती है डब्ल्यूपीएल में। सो गाइस अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एबीटी विलियर्स और फैब डुप्लेसी में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, दोनों ही साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया शहर से बिलोंग करते हैं। एबीटी विलियर्स 39 साल के हैं, वहीं फैब डुप्लेसी 39 साल के होने वाले हैं, वो अभी फिलहाल 38 साल के हैं। एबीटी विलियर्स को लोग प्यार से मिस्टर 360 कहते हैं, वहीं फैब डुप्लेसी का निकनेम फैफ है। इंटरनेशनल डेब्यू की बात करें तो एबीटी विलियर्स ने 20 साल में किया था, वहीं फैब डुप्लेसी ने 27 साल की उम्र में किए थे। स्कोर 1-0। टोटल रन की बात करें तो एबीटी विलियर्स के नाम कुल 20,014 रन है, वहीं फैब डुप्लेसी के नाम केवल 16,341 रन है। स्कोर 2-0। टोटल सिक्सेस की बात करें तो एबीटी विलियर्स ने कुल 328 छक्के जड़े हैं, वहीं फैब डुप्लेसी ने केवल 137 छक्के जड़े हैं। स्कोर 3-0। ओडीआई एवरेज की बात करें तो एबीटी विलियर्स का 53.5 का है, वहीं फैब डुप्लेसी का 46.67 का है। स्कोर 4-0। सो गाइस द क्लियर विनर इज एबीटी विलियर्स। एंड वंस अगेन लिंक कमेंट बॉक्स में, फटाफट से जाके वो वीडियो देख लेना।